हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। तो देखिए, काफी ये डिस्कशन है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो ईसी हो गया और भी कुछ ऐसे इंजीनियरिंग्स हैं, इन ब्रांचेस को लेकर के है कि इनमें कितनी सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग तो देखो अलग है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है कि इसके लिए कितनी सीटें हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं कि इसमें कितनी सीटें हैं टोटल। बट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जिनके लिए जो सीटें हैं वो लगभग बराबर ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो आपको दिखाया गया यहाँ पर, जैसे आप देखिए पहले दो को अगर आप छोड़ दो क्योंकि इसके लिए पोस्ट भी काफी कम है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हो थोड़ा सा, जहां पर आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल करके दिख रहा है, केवल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल, चाहे वो कोई भी आपका हो, जनरल सर्विस हो या डिजाइन ड्राइंग करके, प्रोडक्शन यूनिट करके, टीआरडी या फिर आरएनडी करके हो, तो सब में आप देख सकते हो कि मैकेनिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी। तो इसमें जितने भी सीटें मैंने आपको दिखा रखी है, कुछ मैंने आपको बताया था 1369 के करीब इसमें सीटें हैं केवल जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल लिखा गया उनके लिए, तो इसमें सारे लोग इस सीट को कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे केवल इलेक्ट्रिकल वाले ही फाइट करेंगे, इस पे आपके मैकेनिकल वाले भी फाइट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फाइट करेंगे, एसी वाले भी फाइट करेंगे। और साथ ही साथ आप अगर देखो तो जो कंबाइंड यहाँ पर बोला, इसका मतलब है कि जो ट्रिपल ई जैसे कोई ब्रांच लिया होता है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके कोई ऐसे करके भी अपना लिया होता है सब्जेक्ट, तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करें थोड़ा और नीचे आए, ऐसे ही अगर थोड़ा और नीचे आए तो देखिए सिविल वालों का तो क्लियर है, यहाँ पर जितने भी आपको ऐसे इंजीनियरिंग करके दिख रही हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग जैसे पी वे ब्रिज है, डिजाइन ड्राइंग या फिर जो भी है प्रोडक्शन यूनिट है, जहां पर आपको इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग दिख रहा है, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग दिख रहा है, केवल एक को छोड़ करके यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका है मात्र एक इंजीनियरिंग नीचे ये है ट्रैक मशीन, इसको छोड़ दो तो जितने भी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग दिख रहे हैं सब पे सिविल इंजीनियरिंग ही केवल अवेलेबल है। और ये भी इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीए बीटेक होना चाहिए या फिर बीएससी भी दे रखा है, बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं इसमें जो 3 साल का होता है। तो सिविल वाले तो बिल्कुल अलग हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें मैकेनिकल घुस रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कोई और। बट आप और थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप देखोगे, जो यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आप देखोगे कि जो मैकेनिकल के हैं स्पेशली, जहां पर मैकेनिकल मैकेनिकल लिखा गया है, होना तो इनको चाहिए था कि केवल ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों को मिलेगा ये पोस्ट, लेकिन इसमें भी लिखा गया है कि इसमें मैकेनिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है। देखिए जितना इलेक्ट्रिकल का था उसमें तो केवल यही 3 ब्रांच थी और इनका कंबाइंड कॉम्बिनेशन था, लेकिन मैकेनिकल वालों में मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया है, मैकेट्रॉनिक्स भी आ गया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी आ गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मशीनिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से अगर कोई पढ़ा है तो वो भी आ जाएगा। तो ये सारी की सारी ब्रांचेज इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको कोचिंग वाले ये कहें कि नहीं इस बार मैकेनिकल में तो वैकेंसीज ही वैकेंसीज है, वो आपको दोनों जोड़ करके बता देंगे कि 3000 टोटल वैकेंसीज हैं मैकेनिकल के लिए, क्योंकि वो जोड़ देंगे कि इलेक्ट्रिकल वालों के जो 1369 हैं और 1400 करके कुछ आपके, 1400 1450 के करीब आपके मैकेनिकल में, ये जो मैकेनिकल मैकेनिकल लिखा गया उसमें पोस्ट है, तो सब मिला करके बता देंगे कि लगभग 3000 पोस्ट है मैकेनिकल वालों के लिए, आप पढ़ना शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो 3000 सीटें आपको दिख रही हैं इसमें काफी सारे ब्रांचेस फाइट कर रही हैं, है ना। तो ये अगर आपको फायदा है तो कुछ नुकसान भी है इसके, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आप भले ही देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एक हो जाने की वजह से लगभग 3000 पोस्ट हो जा रहे हैं, बट उसमें सारे के सारे ब्रांचेस भी तो फाइट कर रही है ना। आप देखिए यहाँ पर एसएनटी का जैसे है, इसमें भी आप देखोगे तो आपको दिखाया गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, तो ये जितने भी आपके हैं या फिर कॉम्बिनेशन इनका हो सकता है तो वो सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। तो अगर हाँ बात करें अगर हम कंप्यूटर साइंस के लिए, तो केवल वो इन्हीं सब जो आपको दिख रहा है एसएनटी यहाँ तक वो एलिजिबल हैं, बाकी ऊपर वाले में ये एलिजिबल नहीं थे जो मैकेनिकल मैकेनिकल करके है, ठीक है। और बाकी एक डिपार्टमेंट आपका स्टोर करके है, जिसमें कोई भी आपका ब्रांच हो वो सिविल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर जितने कंप्यूटर साइंस हो गए, कोई भी आपका इंजीनियरिंग हो, सारे के सारे यहाँ पर स्टोर वाले में एलिजिबल हैं। स्टोर में भी अच्छी खासी सीट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी सीट्स दिखाए रखे हैं यहाँ पर, आप देखो तो ये जो सीट्स हैं देखिए आपके, स्पेशली मैंने लिखा था कि जो इलेक्ट्रिकल करके लिखा गया है उसमें 1369 के करीब वैकेंसीज हैं, और जो मैकेनिकल करके लिखा गया उसमें
1464 वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं इनमें इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं, इवन यहाँ पर आप देखे थे कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाले भी एलिजिबल थे, और भी प्रोडक्शन करके था वो एलिजिबल थे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलिजिबल थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल करके पोस्ट था इसमें केवल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये एलिजिबल था। और जो स्टोर करके है, सॉरी SNT करके है, इसमें तो ये सारे के सारे एलिजिबल हैं, यहाँ से लेकर के ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एलिजिबल हैं SNT में। इवन इसमें आपका कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है, ठीक है, CS वाले भी एलिजिबल हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर कोई ले रखा है तो वो भी एलिजिबल है, और बाकी एक स्टोर डिपार्टमेंट का मैंने नहीं लिया था, इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसीज थी, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं थी, लगभग 300 के करीब, 350 से ज्यादा ही वैकेंसीज हैं इसमें भी। तो इसमें भी आपके सारे ये जो आपके ब्रांच दिख रहे हैं ना, वो इसमें सिविल भी एलिजिबल है, इवन सिविल भी। तो इसमें ये नहीं बोला गया है कौन सी ब्रांच, बोला है कोई भी ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकता है जो स्टोर वाला है। तो ये आपका हो गया, बाकी कुछ एक्स सर्विसमैन थे उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया था इनमें। तो ये आपकी प्योर, इतनी वैकेंसीज आपके प्योर रूप से मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिकल में कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हर एक ब्रांच को। तो जब भी आप ब्रांच को चूज करने जाना तो आप ये देख लेना कि 52 और ये जो 39 है और ये जो 92 है, तो इलेक्ट्रिकल वाले अगर फॉर्म को भर रहे हैं तो इन तीनों को जोड़ करके देख लेना कि कितनी सीट्स हैं अहमदाबाद में और अजमेर में, इस 62 और 81 और 20 को जोड़ करके देख लेना कितनी वैकेंसीज हैं, तब आप फॉर्म को अप्लाई करना कि मेरे हिसाब से कौन सा सही रहेगा, किसमें कम है या किसमें ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, किसमें कम लोग फॉर्म भरेंगे, तो वो देख करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी सिविल में ये जो मैंने बाहर लिखा है ये आपके सिविल में प्योर वैकेंसीज हैं। ये जो मैंने 59 और 45 ये सब्सट्रैक्ट किए हैं, ये ट्रैक मशीन के हैं, ठीक है, ट्रैक मशीन जो कि इंजीनियरिंग में करके आपको लिखा था। तो ये जो है इसमें भी सारे के सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए। तो ये 59 भी आप इसमें ऐड करके देख सकते हो, अजमेर में 62 प्लस 59 प्लस 81 प्लस ये 20, ये सब आप जोड़ोगे तब जाकर के आपको इलेक्ट्रिकल की सीटें देखने को मिलेंगी। तो आप इसको देख करके खुश मत हो जाइए कि इलेक्ट्रिकल में तो इतनी सारी सीटें हैं, सीटें भले ही इतनी ज्यादा हैं लेकिन फाइट करने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके इलेक्ट्रिकल में मान लीजिए बस एग्जाम्पल के लिए कि अगर 1 लाख लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख लोग अगर इलेक्ट्रिकल के फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें मैकेनिकल भी मान लेते हैं कि 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के मान लेते हैं कि 50,000 मान लेते हैं, कुछ भी मानने को है, ठीक है, तो 50K लोग यहाँ पर फॉर्म भरे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, और भी जितने ब्रांचेस है उसके भी 25,000 लोग फॉर्म भरे हैं, तो ये सारे के सारे लोग फाइट करेंगे। ये आपका जो अजमेर है, ये जो सीटें आपकी दिख रही हैं 60, 62, 59, 81 और 20, ठीक है, तो ये आप देख करके अपना जोन सेलेक्ट करोगे। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए ही इतनी सीटें हैं तो बस वहीं इसको कवर कर रहे हैं, ये तो बस मैंने आपको प्योर रूप से दिखाया था कि इतनी इतनी सीटें निकल के आ रही हैं, राइट। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी गई हैं वो किस ब्रांच के लिए क्या क्या लिखी गई हैं, राइट। तो ठीक है, कोई भी अगर कहे कि नहीं आपके लिए तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, आपके तो मजे ही मजे हैं, तो बस वो आपको कोर्स बेचना चाहता है और कुछ भी नहीं है, राइट। ठीक है फिर, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।